आखिर पानी ही तो ऐसी चीज है, जल ही तो जीवन है। अगर जल नहीं है तो व्यक्ति उसका जीना दुभर हो सकता है। तो जल हमारे जीवन का बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये तो किसी भी सूरत में मिलना चाहिए। अब इंद्र देवता की कृपा से बरसात तो तब होती है। जल संसाधनों को सहेजा, जल जीवन है, ये बात आज के दौर में ना सिर्फ सत्यापित हो चुकी है बल्कि यहां तक कहा जाने लगा है कि अगर कभी अगला विश्व युद्ध होता है तो वो पानी के लिए ही होगा। दुनिया में पेयजल लगातार घटता जा रहा है और उसका उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में भी पेयजल और सिंचाई का मुद्दा ना सिर्फ दशकों पुराना है बल्कि इसने कई बार सत्ता का फैसला भी किया है। हरियाणा देश के उन चुनिंदा प्रदेशों में अग्रणी है जो कृषि उत्पादन में अव्वल माने जाते हैं। ऐसे में साफ है कि सिंचाई के उम्दा साधनों और अच्छे जल की जरूरत हरियाणा को ज्यादा है, लेकिन वक्त के साथ साथ हरियाणा का काफी हिस्सा डार्क जोन की चपेट में आता चला गया। इसके लिए सामाजिक और भौगोलिक कारण ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि सियासी समस्याएं भी उतनी ही जिम्मेदार हैं। सतलुज यमुना लिंक कैनाल का मुद्दा आधी सदी बीत जाने के बाद भी अनसुलझा ही था, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपनी कोशिशों और अदालती कार्रवाई में मजबूत पैरवी के दम पर इस मुद्दे को आखिरी सिरे तक पहुंचा दिया है। अब बस बाकी है तो अदालत में उलझे हुए कुछ छोटे छोटे पेंच सुलझाने की। एसवाईएल पर मनोहर संकल्प होगा साकार। हरियाणा सरकार ने वक्त वक्त पर एसवाईएल के मुद्दे को लेकर ना सिर्फ अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की बल्कि साफ किया कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलकर रहेगा। टीम मनोहर की इस प्रतिबद्धता से साफ है कि हरियाणा की जल समस्या का एक बड़ा समाधान जल्द ही हो सकता है। संवर्धन कैनाल की ताकत बढ़ाएगी सरकार। हरियाणा सरकार प्रदेश में पानी की कमी से निपटने और जल संवर्धन की खातिर यमुना कैनाल की जल क्षमता को 4000 क्यूसेक तक बढ़ाने की योजना बना रही है। हरियाणा सरकार यमुना नदी की जल क्षमता बढ़ाने के लिए कैरियर सिस्टम दुरुस्त करेगी। इसके लिए 1115 करोड़ रुपए की 4 अलग अलग परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें हमीदा हेड से इंद्री हेड तक पश्चिम यमुना कैनाल मुख्य शाखा संवर्धन नहर का पुनर्निर्माण की परियोजनाएं बेहद अहम हैं, जिनसे 4000 क्यूसेक तक पानी बढ़ सकेगा। यमुना से जल संवर्धन, जल संवर्धन के लिए बढ़ेगी यमुना की ताकत। कैनाल की जल क्षमता को 4000 क्यूसेक तक बढ़ाया जाएगा। जल क्षमता बढ़ाने के लिए कैरियर सिस्टम दुरुस्त किया जाएगा। योजना के लिए 1115 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, 4 अलग अलग परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। इनमें हमीदा हेड से इंद्री हेड तक का पुनर्निर्माण, पश्चिमी यमुना कैनाल मुख्य शाखा का पुनर्निर्माण, संवर्धन नहर के पुनर्निर्माण की परियोजनाएं अहम। 3 डैम ऐसे हैं जो हमारे क्षेत्र से बाहर हैं, लेकिन उनके बनने के बाद यमुना में पानी जो अभी 3-4 महीने ही बरसात में आता उपलब्ध रहता है ज्यादा, वो और 8 महीने तक भी उपलब्ध हो जाए तो उसमें रेणुका डैम, लखवार डैम और किसाउ डैम। रेणुका डैम की जमीन एक्वायर हो चुकी है, वहां काम शुरू हो चुका है। बाकी जगह उसकी भी योजना लखवार की
क्योंकि फाइनेंसिंग का एक विषय था, हमने हरियाणा का जो हिस्सा है वो देने का अपना लेटर उनको दे दिया कि भी हमारा जो 10% हिस्सा हरियाणा ने देना वो हम देंगे, 90% केंद्र सरकार से उसमें आएगा, वो कहां से लोन होगा, किस व्यवस्था होगा, उस फाइनेंसिंग की व्यवस्था बाकी है, मैं समझता हूं उसके बाद वो काम भी चालू होना चाहिए। संवर्धन कैनाल का पुनरुद्धार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवर्धन कैनाल का 75 किलोमीटर तक पुनरुद्धार करने के लिए 600 करोड़ की एक परियोजना स्वीकृत की है। यमुनानगर के निकट हमीदा हेड से शुरू होने वाली इस परियोजना का लक्ष्य सिंचाई और पेयजलापूर्ति में बढ़ोतरी करना है। परियोजना सरकार के हर खेत को पानी कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य इसकी निकासी क्षमता को 4500 क्यूसिक से बढ़ाकर 6000 क्यूसिक करने का है। हरियाणा, विशेषकर दक्षिणी हरियाणा जहां पानी की कमी है, के लिए पेयजल और सिंचाई जल की आपूर्ति में बढ़ोतरी करना इस परियोजना का लक्ष्य है। ये परियोजना इसीलिए क्रियान्वित की जा रही है क्योंकि सरकार उपलब्ध पानी के हर बूंद का समुचित उपयोग करना चाहती है। संवर्धन कनाल के पुनरुद्धार और रिमॉडलिंग से हरियाणा में विशेष तौर पर धान के मौसम के दौरान पानी की लगातार बढ़ती मांग को और दक्षिणी हरियाणा की पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। चैनल की क्षमता को बढ़ाने और ढांचों को बदलने के लिए संवर्धन कनाल का पुनर्निर्माण किया जाएगा। 3700 क्यूसिक क्षमता वाली इस संवर्धन कनाल का निर्माण 1970-71 में किया गया था, जिसे 1977 में बढ़ाकर 4500 क्यूसिक किया गया। डार्क जोन पर विशेष ध्यान, प्रदेश के गांवों में शहरों की तर्ज पर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार ने हरियाणा ग्रामीण विकास योजना शुरू करने का निर्णय किया है। प्रदेश के उन 36 अति पिछड़े ब्लॉकों को सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया जो डार्क जोन घोषित हो चुके हैं। इन ब्लॉकों में भूजल स्तर सही करने के लिए सिंचाई दक्षता योजना शुरू होगी, जिन पर 76 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्य के 13 जिलों में चलाई जा रही है सिंचाई दक्षता निधि योजना के तहत जल संरक्षण और संचयन के लिए 36 खंडों को चिन्हित किया गया है। जल के समान वितरण पर सरकार ने विशेष कदम भी उठाए हैं ताकि भविष्य में जल की आपूर्ति करने के लिए प्रदेश में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। भविष्य में प्रदेश में पानी की समस्या बढ़ेगी जो कि चिंता का विषय है। इसके लिए सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे पानी का सदुपयोग होगा और पानी को बचाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर जल संरक्षण के लिए जल की कमी और अत्यधिक जल के दोहन वाले 36 खंडों के लिए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के नाम से एक विशेष परियोजना चलाई जा रही है। पानी की रीचार्जिंग की नई योजनाएं भी बहुत से सुझाव आ रहे हैं कि पानी ज्यादा ज्यादा बरसात का जमीन के अंदर जाए ताकि जमीन का पानी निकालने के बाद ये जो डार्क जोन एरिया है वो कैसे हम कम कर सकें, ये एक नया चैलेंज भी हमारे सामने है। पानी के रीडिस्ट्रीब्यूशन का विषय भी है कि जिस एरिया में पानी जितना एलोकेशन है उतना पानी उसको मिले, ज्यादा ना मिले, और जहां एलोकेशन है और पानी नहीं पहुंच रहा है वो पानी वहां पहुंचाया जाए। तो इस प्रदेश के एक सम्यक, जिसको कहना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन, एक समान डिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि सबको उसका लाभ मिले। डार्क जोन खत्म करने हैं, हरियाणा ग्रामीण विकास योजना शुरू, 36 अति पिछड़े ब्लॉक्स पर विशेष ध्यान, डार्क जोन के ब्लॉक्स पर विशेष ध्यान, भूजल स्तर सही करने के लिए सिंचाई दक्षता योजना पर
70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य के 13 जिलों में चलाई जा रही है योजना। सिंचाई दक्षता निधि योजना के तहत जल संरक्षण, जल संचयन के लिए 36 खंडों को चिन्हित किया गया। अत्यधिक जल के दोहन वाले इलाकों में सूक्ष्म सिंचाई पर जोर। तालाबों से दूर होगी समस्या। हरियाणा सरकार प्रदेश में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति की समस्या को सुलझाने के लिए तालाब अथॉरिटी का गठन करने जा रही है। इस परियोजना से नहरी सिंचाई के प्रोजेक्ट्स को भी जोड़ा जाएगा ताकि तालाबों के पानी का सही इस्तेमाल किया जा सके। एक तो तालाब अथॉरिटी ऑफ हरियाणा हम बना रहे हैं, उसका प्रारूप तैयार हो गया है, बहुत जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा। 14,000 तालाब है हरियाणा में, लगभग 9,000 ऐसे हैं जिसमें लगातार पानी रहता है, 5,000 ऐसे हैं जो सूख जाते हैं। सूखे हुए तालाबों में पानी इरिगेशन के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देना ताकि वहां के लोगों का साल भर की जो आवश्यकता पूरी होती रहे। इन 9,000 में से 6,000 तालाब ऐसे जो ओवरफ्लो करते हैं, जो गंदगी भी फैलाते हैं, ऐसे सब तालाबों को ओवरफ्लो ना करें, उसके साथ इरिगेशन के प्रोजेक्ट जोड़ना, तालाब के साथ कमांड एरिया ये तय करके, कहीं 100 हेक्टेयर कहीं 200 हेक्टेयर, जितना बड़ा तालाब है उस हिसाब से उसका कमांड एरिया, वो उसमें तालाब में से सिंचाई करेंगे। और उस कमांड एरिया का अगर वो इरिगेटेड एरिया है तो उसका जो नहरी पानी है उसको हम पीने के पानी के लिए, अथवा जो बड़े गांव है जहां सीवरेज की व्यवस्था हम कर रहे हैं उस पानी के लिए, महाग्राम योजना में जो बड़े बड़े गांव है वहां हम सीवरेज की व्यवस्था दे रहे हैं। 9 नए बांध देंगे लबालब पानी। प्रदेश सरकार हरियाणा में पानी की समस्या को दूर करने के लिए कई बड़े कदम उठा चुकी है। खास परियोजना के तहत मध्यम श्रेणी के 9 बांधों का निर्माण हो रहा है, जिससे सरस्वती नदी चैनल को तो पानी मिलेगा ही, साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में सिंचाई की समस्या का भी समाधान निकलेगा। 9 डैम्स नए बनेंगे, छोटे छोटे डैम ही है भले, थोड़ा पानी है लेकिन बरसाती पानी को रोकने के लिए। उन 9 डैम्स के बनने के बाद आसपास के एरियाज में जितना इरिगेशन की आवश्यकता पूर्ति हो सकेगी वो करेंगे, और कुछ पानी लगातार उसमें जो बाकी नहरें हैं जितना उपलब्ध हो पाएगा उन नहरों में उस पानी का इरिगेशन का उपयोग करें। सरस्वती नदी में भी रेगुलर पानी उसमें जाए, वो 9 डैम्स का पानी ही सरस्वती के अंदर रेगुलर धारा जल प्रवाह ये उसका उसमें से बनेगा। जेएलएन उठान सिंचाई परियोजना में सुधार। हरियाणा में कुछ जल संरक्षण योजनाएं पहले से चल रही हैं, जिन्हें लेकर सरकार ने विशेष तौर पर कमियों में सुधार का काम शुरू किया है। जेएलएन उठान सिंचाई की पूर्ण क्षमता 3,451 क्यूसेक थी, लेकिन रख रखाव के अभाव में इसकी क्षमता केवल 1600 से लेकर 1800 क्यूसेक ही रह गई थी। सरकार ने इसके लिए कदम उठाए और जेएलएन में 2,750 क्यूसेक से लेकर 2,850 क्यूसेक पानी खेतों को मिलेगा। लगभग सभी नहरी टेलों पर अब पानी पहुंच चुका है। हरियाणा में कुल 1,350 नहरी टेल हैं, जिनमें से 1,343 टेलों पर सरकार ने पानी पहुंचा दिया है। इसके अलावा 300 करोड़ रुपए की लागत से मेवात चैनल परियोजना पर काम भी किया जा रहा है। जल संरक्षण योजनाओं में सुधार। जेएलएन उठान सिंचाई की पूर्ण क्षमता 3,451 क्यूसेक थी, रख रखाव के अभाव में इसकी क्षमता केवल 1,600 क्यूसेक रह गई। सरकार ने इसके लिए प्रभावी कदम उठाए। जेएलएन में 2,750 क्यूसेक से लेकर 2,850 क्यूसेक पानी खेतों को मिला। लगभग सभी नहरी टेलों पर अब पानी पहुंच चुका। हरियाणा में कुल 1,350 नहरी टेल हैं।
जिनमें से 1343 टेलों पर सरकार ने पानी पहुंचाया। 300 करोड़ रुपए की लागत से मेवात चैनल परियोजना, आपको मिलेगा शुद्ध पेयजल। वहीं हरियाणा सरकार जहां प्रदेश के किसानों के खातिर सिंचाई योजना पर काम कर रही है और सिंचाई के साधनों को मजबूत किया जा रहा है, प्रदेश के लोगों को उसके साथ ही साफ और शुद्ध पेयजल मुहैया कराए जाने को लेकर भी सरकार गंभीर है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 144 नहरों पर आधारित जलघर शुरू किए जा चुके हैं। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1489 नलकूप और 370 बूस्टिंग स्टेशन शुरू किए गए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 6268.91 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है ताकि हर क्षेत्र में पानी आसानी से पहुंचाया जा सके। साफ पानी, सुंदर भविष्य। शुद्ध पेयजल मुहैया कराने पर गंभीरता से काम। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में 144 नहरों पर जलघर, 1489 नलकूप और 370 बूस्टिंग स्टेशन और 370 बूस्टिंग स्टेशन शुरू किए। 6268.91 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई। इन सोलर पंपों को 11 केवी की लाइन के साथ हम जोड़ रहे हैं ताकि अगर बिजली अधिक पैदा होती है सोलर की तो वो स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से उसका उपयोग किसान कर सके, किसान की उस सोलर पावर का पैसा उसको मिले ताकि उसको तो फ्री मिले ही मिले, अतिरिक्त बिजली का उपयोग उस नाते से हो सके। साकार होगा हर खेत को पानी का सपना। उधर स्वर्ण जयंती वर्ष पर राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को करीब 25 करोड़ की लागत से सूक्ष्म सिंचाई के पायलट प्रोजेक्ट की सौगात दी है। इस प्रोजेक्ट पर 24 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका 13 जिलों और 15 गांवों के लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। अहम पहलू ये है कि इस प्लांट में सौर ऊर्जा पैनलों से पैदा होने वाली अतिरिक्त बिजली नजदीकी पावर सब स्टेशन में भेजी जाएगी जो 24 घंटे प्लांट के साथ 11 केवी लाइन के साथ जुड़ा रहेगा। इस परियोजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 30 जुलाई को पिहोवा के गांव गुमथला में किया। देश की पहली सूक्ष्म सिंचाई परियोजना 30 जुलाई को सीएम ने पिहोवा में शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट। सूक्ष्म सिंचाई योजना के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ। परियोजना पर 24 करोड़ 65 लाख का बजट खर्च। 13 जिलों के 15 गांवों को होगा फायदा। सूक्ष्म सिंचाई के बड़े फायदे। इस योजना से सूक्ष्म सिंचाई के लिए किसानों को प्रेशर के साथ नहरी पानी मिलेगा और इस पानी को टपका सिंचाई और फव्वारा सिंचाई विधि के जरिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। इससे पानी की खपत में कमी आएगी और ज्यादा से ज्यादा किसानों को पानी मिल पाएगा। इससे सरकार के हर खेत को पानी के लक्ष्य को साकार किया जा सकेगा। ये देश की अपनी किस्म की पहली योजना है। सूक्ष्म सिंचाई पायलट परियोजना प्रथम चरण में प्रदेश के 13 जिलों में शुरू की जाएगी। इरिगेशन के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं ताकि बड़ा खर्च है वो किसान स्वयं नहीं कर सकता, उसको मात्र 15% खर्च करना है। इन सोलर पंपों को 11 केवी की लाइन के साथ हम जोड़ रहे हैं ताकि अगर बिजली अधिक पैदा होती है सोलर की तो वो स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से उसका उपयोग किसान कर सके, किसान की उस सोलर पावर का पैसा उसको मिले ताकि उसको तो फ्री मिले ही मिले, अतिरिक्त बिजली का उपयोग उस नाते से हो सके।
प्रदेश में सिंचाई संसाधनों को बेहतर और मजबूत बनाने की खातिर हरियाणा सरकार न सिर्फ बड़े कदम उठा रही है, बल्कि टीम मनोहर का विजन प्रदेश के हर खेत तक पानी पहुंचाना है, ताकि हरियाणा अपनी कृषि प्रधान की परिभाषा को जीवंत बनाए रखे, साथ ही हरियाणा के हर घर में पेयजल उपलब्धता भी हरियाणा सरकार के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। इसके लिए हरियाणा सरकार ना सिर्फ मॉडर्न तरीकों को अपना रही है, बल्कि जागरूकता मिशन भी चला रही है, ताकि प्रदेश में ना सिर्फ जल संरक्षण किया जा सके, बल्कि पानी का सही और बेहतर इस्तेमाल भी हो सके। सीएम मनोहर लाल के इस जल संकल्प का ही नतीजा है कि अब प्रदेश के तमाम नहरों की टेल तक पानी पहुंचाया जा सका है और हरियाणा का किसान अब अपने खेतों के प्यास से परेशान नहीं होता। लगातार 60 साल 70 साल तक कांग्रेस के शासन में जो ठीक है, प्रारंभ में ऐसी शायद कोई किसी की सरकारों में भी उस प्रकार का खराबा नहीं आया होगा। शुरू में जब देश आजाद हुआ उसमें भावना थी देश आजाद हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और सत्ता का सुख लोग भोगते गए और सत्ता के सुख के साथ साथ उसमें से एक जिसको कहना चाहिए एक डायवर्शन ऐसा आया जिसमें करप्शन स्वार्थ ये फिर किस प्रकार से कोटा परमिट कैसे इसमें से बड़े बड़े खेल ये जब सब होने लग गए तो आखिर जनता सोचती है कि अल्टरनेटिव क्या है।